जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधेश्याम भावसर। तो कभी कभी ये आसान से दिखने वाले दाग धब्बे भी मेरे साथ कॉमेडी करते हैं दोस्तों। मुझे लगा कि बहुत ही आसान स्टेन है, चुटकियों में मैं इसको क्लीन कर दूंगा और मेरी एक वीडियो भी बन जाएगी। तो स्टेन के ऊपर मैंने स्टेन ऑफ लगाया, ब्रश से स्क्रब किया, बहुत अच्छे से स्टेन निकल गया दोस्तों। बट स्टेन जो ऊपर का लेयर था वो तो निकल गया, बट अंदर थोड़ा सा रेडिश, कुछ परसेंट रेडिश का बच रहा था दोस्तों, वो बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। आप वीडियो भी अगर पॉज करके देखोगे तो दो वाइट स्पॉट आपको दिख रहे होंगे, कम्प्लीटली विजिबल है दोस्तों, और डार्क स्टेन है वो चला गया। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद में मैंने उसके ऊपर केरोसिन यूज़ किया, सोप यूज़ किया, फिर भी ये स्टेन जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे दोस्तों। स्टेन फ्री भी लगाया, फिर भी ये स्टेन नहीं जा रहा था। तो इस तरह से मेरे साथ होता है दोस्तों। तो ये मैं इसके ऊपर MTO वापस से लगा रहा हूँ कि लगेगा कि जाएगा तो सही, मेरी वीडियो तो बन जाएगी, बट ये पैंट को मेरे साथ में कॉमेडी ही करना है तो क्या ही कर सकते हैं। तो बस, तो फिर मैंने दूसरा स्टेन ले लिया दोस्तों, उसको मैंने छोड़ दिया, दूसरा स्टेन लिया और उसको भी मैंने अच्छे से स्क्रब किया। ऊपर का लेयर बहुत अच्छे से चला गया स्टेन ऑफ से, बट वो जो मेन स्टेन होता है ना वो जाने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त कर रहा था दोस्तों। बट फिर भी जैसे तैसे मैंने इनको किया, 10-15 मिनट वेस्ट किए। यही स्टेन क्लीनिंग का फंडा होता है दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है तब स्टेन जाते हैं। बट समझ लीजिए, कपड़े का कलर लूज़ है तो आप बहुत सारे स्टेन रिमूवर नहीं ट्राई कर सकते हो, इतने टाइम में तो कोई भी कपड़ा डैमेज हो सकता है दोस्तों। बट मुझे क्या रिज़ल्ट मिला, तो ये फाइनल रिज़ल्ट है दोस्तों। कहाँ स्टेन था अब मुझे भी नहीं पता है, आप वीडियो भी अच्छे से केयरफुली देखिए और मुझे भी बताइए कि स्टेन गया है या नहीं। 100% स्टेन क्लीनिंग। धन्यवाद दोस्तों। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।